बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू सालार खान यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी नया टॉपिक, दैट इज़ दी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम ख़त्म कर चुके हैं, दो मेथड से हमारे बुक ने डिस्कस किया था जी, विच वाज बाय दी हेड टू टेल रूल एंड दी अदर वाज दी एनालिटिकल मेथड। आज हम शुरू करेंगे जी प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स, और प्रोडक्ट में फिर दो टाइप्स है जी, जिसमें हम फर्स्ट जो आज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट। वो दो टाइप्स आपको बताते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या इसको कहते हैं जी डॉट प्रोडक्ट, इसको कहते हैं जी डॉट प्रोडक्ट। अब ये दोनों नाम इसको क्यों दिए गए हैं ये भी आपको बताते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो एक बात कि जब आप वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट या तो कोई वेक्टर आ सकता है और या कोई स्केलर आ सकता है। सो द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज क्लासिफाइड एज व्हाट, इफ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ वेक्टर यू गेट व्हाट, यू कैन हैव आइदर अ स्केलर क्वांटिटी और यू कैन हैव अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस बेस पे हम इसको डिफाइन करते हैं, और ये जो स्केलर प्रोडक्ट आज हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ किसी दूसरे वेक्टर के साथ, तो इससे मेरे पास जो आंसर आता है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आती है। ये इसका मीनिंग है स्केलर प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट हम क्यों कहते हैं कि द मल्टीप्लीकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, तो ये डॉट की सिंपल की वजह से हम इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। सिमिलरली जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जी, तो वो क्या होगा, वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के साथ, हमें आंसर वेक्टर देंगे। तो स्केलर का तो हमें पता है कि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। कंसिडर करें जी दो वेक्टर्स, कंसिडर द टू वेक्टर्स ए डॉटेड विद बी, वुड गिव यू व्हाट, इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ द थीटा द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एक वेक्टर है जी ए, एक वेक्टर है जी बी, इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू। समझ आई। मैं इसको इस तरह लिखता हूं, ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स cos of angle between them। सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है जी। एक और डेफिनेशन में इसकी करता हूं, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं a dot b is equal to a का मैग्नीट्यूड इंटू बी और cos of theta को मैं अलग रखता हूं, इसका क्या मतलब हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ ए विद द कंपोनेंट ऑफ बी दैट इज अलोंग ए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपने पढ़े हैं जी। तो अगर फॉर इंस्टेंस ये आपका है जी ए, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका है जी बी वेक्टर, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, क्या ये बी वाई कंपोनेंट नहीं होगा, इफ दिस इज थीटा क्या ये बी एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, हम पढ़ चुके कि नहीं, बिल्कुल। सो द डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर एंड द कंपोनेंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। समझ आई। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, दिस वुड बी मल्टी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए विद व्हाट द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, और इसको मैं लिख सकता हूं जी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद व्हाट द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और ये मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूं जी। समझ आई कि नहीं आई बिल्कुल आई। अब अगर मैं कहता हूं जी इसी ए डॉट बी को मैं बी को पहले लिखता हूं और ए को कॉज ऑफ थीटा लेता हूं जी,
तो देखिए, this is again the same thing, the magnitude of vector b, and this is multiplied with what? The component. One vector multiplied the component of the other vector along the first. So the component of a along b. अब इस फिगर से आपको ये समझ नहीं आएगी क्योंकि ये एक एक ओनली एक्स कंपोनेंट आपको नजर आएगा, दूसरा नहीं आएगा. तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन को जरा सा चेंज करता हूं, फॉर इंस्टेंस ये आपका एक ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, दिस इज द एंगल थीटा. तो अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो ये ए वाई होगा थीटा के ऑपोजिट, और थीटा के अलोंग जो होगा ये ए एक्स होगा. सो देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ये डेफिनेशन भी मैं बाद में लिखता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड द कंपोनेंट ऑफ द सेकंड अलोंग द फर्स्ट. तो देखे, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड विद द प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी. समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई. तीन डेफिनेशन मैंने लिखी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, फिर ए का मैग्नीट्यूड और फिर बी का कंपोनेंट अलोंग ए या बी का प्रोजेक्शन ऑन ए, ठीक है. और तीसरी मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय ए का कंपोनेंट अलोंग बी या फिर ए का प्रोजेक्शन ऑन बी. समझ आई? बिल्कुल आई. देखें, ए डॉट बी फॉर इंस्टेंस दो वेक्टर्स है, तो मैं क्या कहूंगा जी, ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय द कंपोनेंट दैट कंपोनेंट ऑफ सेकेंड विच इज अलोंग द फर्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ सेकेंड दैट इज अलोंग द फर्स्ट वेक्टर. और ये मैं इधर लिख चुका हूं, द कंपोनेंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर दैट इज अलोंग द फर्स्ट वेक्टर. ये आपको समझ आ गई है जी? तो ये इसकी डेफिनेशन है, बेसिक जो डेफिनेशन है जी वो ये है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा. अगर मैं बात करता हूं जी कि कॉज ऑफ थीटा इसमें क्यों है, वाई कॉज ऑफ थीटा, तो कॉज ऑफ थीटा इसमें इसलिए है जी कि जो एक्स कंपोनेंट है या ये जो पैरेलल कंपोनेंट है ये इफेक्टिव है, बिकॉज द एक्स कंपोनेंट या फिर मैं लिखता हूं द पैरेलल कंपोनेंट इज इफेक्टिव. किस तरह? तो ये भी आपको बताते हैं जी. अच्छा जी, देखिए जरा, कोई भी मास है जी, इस पर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट करेगा जी इस डायरेक्शन में, एस लिखते हैं, डी लिखते हैं, जो भी लिखते हैं. अब कंसिडर करें ना, कोई मास है, ठीक है, ये कोई मास है, इसको मैंने किसी फॉर इंस्टेंस धागे से बांधा और इस डायरेक्शन पे मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा. कोई मास आप कंसिडर करें, या कंसिडर करें कोई हैवी मास इधर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैं रस्सी से इसको खींचने की कोशिश करता हूं, तो किस डायरेक्शन में आएगा? मैं इस डायरेक्शन में रस्सी से खींच रहा हूं, लेकिन वो अलोंग द फ्लोर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. तो मैंने शू किया हुआ है दैट फोर्स एंड दैट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड. अब ये क्यों हुआ? सो अगर मैं फोर्स को, इफ दिस इज द थीटा बिटवीन देम, तो फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है और फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है, तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट इफेक्टिव है, ये रोल प्ले कर रहा है इस डिस्प्लेसमेंट में. तो मैं इस वर्क डन की डेफिनेशन में लिखूंगा एफ एक्स टाइम्स एस, एफ एक्स टाइम्स एस. ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक हो गया. क्यों? क्योंकि एफ एक्स रोल प्ले कर रहा है डिस्प्लेसमेंट में, एफ वाई क्या कर रहा है? वो बैलेंस कर रहा है जी वेट को. एफ वाई बैलेंस इज द वेट, बैलेंस इज द वेट. तो देखिए जी, समझ आ गई आपको कि मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि ये एक्स कंपोनेंट इसमें काम कर रहा है, जिसमें ऑफकोर्स कॉज ऑफ थीटा आता है, विच इज एफ cos of theta into s, और इसको आप लिख सकते हैं which is what, which is f dot s. समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई. बस ये सिंपल सी बातें थी, ये डेफिनेशन हो गई और ये हमने लिख लिया कि इसमें जो है तो cos of theta क्यों आता है.
प्रोजेक्शंस आप इससे फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डेफिनेशन नंबर वन कहता हूं जी, बेसिक जो डेफिनेशन है ये टू है जी, ये थ्री है, ये भी बेसिक डेफिनेशन ही है. ठीक है, तो वन से जरा आप देखिए, अगर मैं प्रोजेक्शंस की बात कर रहा हूं, प्रोजेक्शंस अक्सर आपसे पूछते हैं जी प्रोजेक्शंस, तो देखें a डॉट b को मैंने लिखा हुआ है, a डॉट b को मैं अब इधर डायरेक्ट ले लूंगा जी, a टाइम्स बी एक्स होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा. तो आपसे अक्सर पूछता है जी कि बी एक्स का क्या होगा जी, तो वो होगा a डॉट b डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ a. और सिमिलरली सेकेंड डेफिनेशन से मैंने ये भी लिखा हुआ है कि a डॉट b इज a x टाइम्स b, तो इधर से आपसे एंट्री टेस्ट में पूछता है a x, सो दैट वुड बी a डॉट b अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ b. समझ आई जी? बिल्कुल आई. अब एक मैं चले एंगल के ऊपर भी बात कर लेता हूं, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड्स के ऊपर और एंगल के ऊपर भी. तो अगर मैं एंगल्स के ऊपर बात करता हूं जी, एंगल थीटा के ऊपर, तो क्या होता है जी, अगर थीटा आपका जीरो डिग्रीज हो, यानी कि फोर्स को आप हॉरिजॉन्टली पुश करें, तो कॉज ऑफ जीरो क्या आता है जी, कॉज ऑफ जीरो वन आता है. इसका मतलब है कि ए डॉट बी जो होगा वो सिंपली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू होगा, एंड दिस इज नोन एज द मैक्सिमम वॉट, मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट. इसको आप कहते हैं जी मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट. और ये आपको इधर से समझ आ गया कि नहीं आ गया जी? फोर्स को आप हॉरिजॉन्टली जो है, इस मास को मैं डायरेक्टली अलोंग दी फ्लोर खींचूंगा. ठीक हो गया? अच्छा, फिर क्या हो सकता है जी कि थीटा आपका अगर 90 डिग्री हो, फॉर इंस्टेंस थीटा आपका 90 डिग्री हो, तो कॉज ऑफ 90 डिग्री क्या होता है जी, कॉज ऑफ 90 डिग्री जीरो होता है. इसका मतलब ए डॉट बी को आप मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो आपको जीरो देगा. ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि दो वेक्टर्स अगर नॉन जीरो हो, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. इसका मतलब है कि आप एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाए और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ. फॉर एग्जांपल एक पानी से जो है भरी हुई बाल्टी मैंने उठाई हुई है, तो इसके ऊपर मैं फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन लगा रहा हूं और मैं आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, तो आप हजार मरतबा करें कि आपने हजार बाल्टियां उठाई और इधर से उधर लेके गए, लेकिन फिजिसिस्ट आइंस्टाइन न्यूटन आपको कहते हैं कि आपने कोई काम ही नहीं किया जी. क्यों? क्योंकि आपका फोर्स आपके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर था. डिस्प्लेसमेंट आपकी उस तरफ है, फोर्स आपका ऊपर की तरफ है. न्यूटन कहता है आपने कोई काम नहीं किया, द वर्क डन इज जीरो, द वर्क डन इज जीरो. ठीक हो गई जी? यहां पर हमें न्यूटन से जरा इख्तिलाफ होगा, लेकिन कोई नहीं जी. अच्छा, फिर क्या हो सकता है जी, थीटा की रेंज जो होती है 0 से 180 के दरमियान, हमने पढ़ा था जी स्मॉलर एंगल द इनर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो थीटा की रेंज 0 से 180 है, तो चले 180 को भी डिस्कस कर लेते हैं. एंड कॉज ऑफ 180 डिग्रीज इज व्हाट, इट्स नेगेटिव 1, तो इसको मैं लिखूंगा जी a डॉट b, ये एंटी पैरेललिज्म की प्रॉपर्टी है, दिस वुड बी माइनस टाइम्स द मैग्नीट्यूड ए बी. इसको मैं मिनिमम डॉट प्रोडक्ट कहता हूं या फिर नेगेटिव मैक्सिमम कहता हूं. मिनिमम और दिस इज व्हाट, दिस इज द नेगेटिव मैक्सिमम. अब नेगेटिव वर्क का क्या मतलब होता है? तो फॉर एग्जांपल आप गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, आप उसको धक्का लगाते, वो तो फोर्स इन द डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है, वो तो मैक्सिमम वर्क हो गया. ठीक है, अब बाज़ोकात आप दोस्तों को तंग करने के लिए वो आगे जा रहा होता है मोटरसाइकिल, आप उससे पीछे खींच रहे होते जी ताकि वो ना जा सके. है मोटरसाइकिल का पीछे वाला जो हैंडल है आप उसको पकड़ लेते हैं, तो आप फोर्स किस तरफ लगा दें, द मोशन के ऑपोजिट, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की तरफ है, आपका फोर्स पीछे की तरफ है 180 डिग्री आउटवर्ड, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क. ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक. कोई बॉडी है जी, आप फॉर एग्जांपल एक बॉल है, बॉल को आप हवा में उछालते हैं जी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं है? ग्रेविटेशनल फोर्स उसका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के एंगल क्या है जी, 180 डिग्री हुआ कि नहीं? बिल्कुल. तो द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव, नेगेटिव. ठीक हो गया है जी? बिल्कुल. अब इसके अलावा जो है आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, कॉस पॉजिटिव होगा, तो 0 से 90 तक कॉस पॉजिटिव होगा जी, 0 से 90 डिग्री तक कॉस इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा, और सेकंड में 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जो है आपका कॉस नेगेटिव रिजल्ट आपको देता है, और वैल्यू उसकी -1 और -1 जो है रेंज ऑफ कॉस है,
रेंज ऑफ कॉस्ट कितना है जी, -1 से लेकर +1 तक है, यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो आई बिलीव कि आपको ये समझ आ गई होगी जी। और इसके ऊपर अगर आप एक एग्जांपल करना चाहे तो ए का मैग्नीट्यूड मैं आपको दे सकता हूँ, बी का मैग्नीट्यूड दे सकता हूँ, और फिर आप करें जी थीटा दे सकता हूँ, और इन तीनों डेफिनेशंस को आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। चले होमवर्क लिख के जी, होमवर्क मैं आपको बताता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है जी, लेट्स से ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्रीज। आपने क्या मालूम करना है जी, आपने मालूम करना है ए डॉट बी, और वेरीफाई करें पहले इस फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कॉज एंगल, फिर इस फॉर्मूले से ए, और फिर दूसरे का कंपोनेंट, फिर इस फॉर्मूले से, तो देखे कि ठीक आता है कि नहीं आता। बिल्कुल तीनों एक जैसे आ गए तो आपने मुझे लिख देना है जी, 1, 2, 3 से एक जैसे आ गए, आपने मुझे डन लिख देना है। ठीक होगा, और इसके बाद आपने फिर एक इनके प्रोजेक्शंस फाइंड करने, बी एक्स फाइंड करना है, डन कॉमा बी एक्स, फिर कॉमा ए एक्स, फॉर्मूला मैं लिख चुका हूं, ए एक्स आप इधर लिख देंगे जी। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमने ज़्यादा टाइम ले लिया है। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ जहाँ पे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।